अब तक के हम लोगों ने हाइट और डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर का फॉर्मूला को समझा, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच, ये तो हमने समझ लिया था। अब प्रेशर के ही फॉर्मूले को और भी अलग अलग तरीके से समझना है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिक मशीन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन में होता क्या है कि आपके यहां पे एक ऐसा पिस्टन होता है और यहां पर कुछ एक एप्लीकेशन है, लोड है, ठीक है। हमने यहां पे प्रेशर दिया और एक ऑयल पड़ा होता है पूरे मैकेनिज्म में, तो जितना हम यहां प्रेशर देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया होगा और इस पर एक फोर्स दे रहे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और इस पर फोर्स दे रहे, तो यहां पर हमने जितना प्रेशर दिया इतना ही प्रेशर यहां पर एग्जर्ट या आउटपुट के रूप में आ जाएगा, जो भी है। हमें इसे कार उठानी है ऊपर या ब्रेक मारना है गाड़ी में, तो यहां हमने प्रेशर दिया, यहां पे प्रेशर है। कुल मिला के यहां पे हम जितना प्रेशर दे रहे हैं, यहां अदर साइड आउटपुट में भी इतना ही प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो वही बात करेंगे कि पी वन इज इक्वल टू पी टू, ठीक है। तो पी वन इज इक्वल टू पी टू, समझिए ना, एक तरफ हमने प्रेशर दिया, दूसरी तरफ प्रेशर हमें आउटपुट मिला, ठीक है ना, ये कैसे। तो पी वन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पर अब किस तरीके का प्रेशर लग रहा है, यहां पर लिक्विड के हाइट या उसके डेंसिटी की वजह से नहीं लग रहा, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें तो पानी ग्लास भरा हुआ है, लिक्विड का ग्लास या फ्लूइड का ग्लास भरा हुआ है, वो अपने डेंसिटी अपने हाइट की वजह से नीचे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, है ना। इस तरह अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में, तो यहां पर कोई एक सामान रखा हुआ है हमारा बेस में, तो अपने हाइट या अपने डेंसिटी की वजह से प्रेशर एक मिल रहा था हमें, ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन में, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो यहां पर मालूम कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो सबसे पहले देखा था, कौन सा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी एफ वन अपॉन ए वन, पी वन है ना, एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू यहाँ पे एफ टू अपॉन ए टू। हाँ, ये चीज, यहाँ पे कुछ एरिया होगा, कुछ फोर्स होगा, यहाँ पे कुछ एरिया कुछ फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समझो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर इतना छोटा सा है, पिस्टन छोटा सा है, यहाँ पे लोड के लिए इतना बड़ा एरिया, ठीक है। मैंने एक पंप लगाया ऑयल का, तो यहां से हमने प्रेशर एग्जर्ट किया, फोर्स हमने एग्जर्ट किया, फोर्स लगाया, तो यहां पे फोर्स लगाएंगे एफ वन ए वन, ठीक है ना। तो क्या यहां पर भी उतना ही फोर्स मिलेगा क्या हमें, प्रेशर तो ठीक है सेम मिलेगा, ओके, ऑयल है ना, ऑयल उतना ही आपको प्रेशर देगा, ठीक है, पी वन, और ये तो हो जाएगा यहां पे एफ टू ए टू, अब ए तो बढ़ गया, यानी एफ टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल से लॉजिक है, यहां पे फोर्स कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे एरिया बड़ा लेके रखा हुआ है ना, एरिया बड़ा होना मतलब प्रेशर कम होना, लेकिन लेकिन फोर्स का भी तो है ना यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, प्रेशर तो वही रहने वाला है। अब क्या करें सर, एरिया बढ़ गया, अब क्या करें, एरिया बढ़ गया क्या प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं, फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों, कम क्यों, प्रेशर तो सेम है, अगर समझो यहां पर 10 × 5 है, यहां पे एरिया हो गया 25, फोर्स कितना हो जाएगा, यहां एरिया 5 था, 410 था, 10 × 5 = 50, तो लेकिन क्या है, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, हम तो डिवाइड करेंगे, है ना, तो 10 / 5 तो आ गया 2, प्रेशर 2 यहां पर भी आना चाहिए। अब एरिया तो यहां पे हो गया 25, यहां पे एरिया क्या हो गया 25, तो फोर्स कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तभी तो 2 आ पाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, समझ गया ना, कैलकुलेशन यही तो बता रहा है, देख लो ना, यहाँ पे 10 था 5 एरिया, यहाँ पे एरिया 25 कर दिया हमने, एरिया बढ़ा दिया, फोर्स भी बढ़ जाएगा प्रेशर को वो करने के लिए, मैं ये मैनेज करने, बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं, एफ टू अपॉन एफ वन अपॉन एफ टू, एफ टू नीचे ए वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू, नहीं ए टू अपॉन एफ टू नीचे आए ए वन ऊपर, ठीक है ना, सही है, ठीक है, एफ वन अपॉन, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू,
यानी F1 और A1 का डायरेक्ट रिलेशन, और F1 और A2 का इनवर्स रिलेशन, F2 और A1 का इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा। इसी तरह देखो यहां पर हाइड्रोलिक जैक भी काम करता है, हाइड्रोलिक जैक देखो, अगर इसे कार को या कुछ लोड को उठाना है तो हमने क्या किया, यहां पे कार खड़ी की, यहां से हमने एक लीवर, लीवर यानी पिस्टन है, तो यहां पर हमने क्या दिया, एक फोर्स दिया, तो ये फोर्स आगे जाके जनरेट होगा, ठीक है ना, फोर्स लगाया हमने एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज प्रेशर, एक प्रेशर दिया तो यहां पर कार लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, इसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेक का भी यही काम है, यहां से हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, इस तरीके से ऑयल के थ्रू ब्रेक आया और ये फैलेगा, जनरेट होगा ना, ये फैलेगा, तो ये जो दिख रहा है शू, ब्रेक शू, ये जाके टायर जो व्हील है, व्हील में प्रेशर देगा, ठीक है ना, ऐसे करके फैलने लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से काम होता है हाइड्रोलिक। तो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, मेनली न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको चैप्टर ये डील होगा, ओके। ए बॉय वेइंग 60 किलोग्राम इज वेयरिंग शू विद हील ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बॉय का वेट, यानी कि वेट का मतलब ही क्या हुआ, फोर्स है, वेट मतलब एम इंटू जी, फोर्स मतलब भी एम इंटू जी, तो तुम्हें कुल मिला के फोर्स दिया हुआ है, और उसने हाई हील सैंड ये पहना हुआ, शू पहना हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है ना। तो यहां पे इंफॉर्मेशन मैं लिखता जाता हूं, देखो तुम्हें फोर्स कितना दिया हुआ है, 60 न्यूटन, और एरिया जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हाँ, इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 × 10^4 -4 है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-2 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे, 10^-4, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में तो 10^-2 होता है 1/100 मीटर, लेकिन जब स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो गया। वाइल गर्ल वेइंग 40, अब एक और इन्फॉर्मेशन दी है साइड में, गर्ल के बारे में बताया, गर्ल पे क्या लिखा हुआ है, गर्ल वेइंग 45 kg विद वेयरिंग सैंडल हील एरिया क्रॉस सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गर्ल के लिए यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, जो गर्ल पहने हुए है सैंडल उससे फोर्स हो रहा है 45 न्यूटन, एंड जो एरिया है उसका हील का 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1.5 × 10^-4 मीटर स्क्वायर, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है ना। अब क्या सर, इसमें तो एक शू का कांटेक्ट कर दिया है, दो दोनों पैर रहेंगे ना, तो मल्टीप्लाई नहीं, नहीं वो वैसे नहीं करते। कंपेयर द प्रेशर एग्जर्टेड ग्राउंड बाय देयर हील व्हेन दे स्टैंड ऑन द हील 1 फुट, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब रेशियो निकालना है, तो इसका निकाल लो आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 60/20, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 20 × 10^-4, पूरा करो ना, है ना, तो 3/10^-4, ये -4 × 10^-4 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा 3×10^+4, एक तो ये आ गया बॉय का प्रेशर 3×10^4 आ गया। गर्ल का देख लो यहाँ पर सेम, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है गर्ल के लिए 45 और ये है 1.5 × 10^-4, तो डेसिमल हटा के 0 बनाएंगे, 15 15 3 30, तो 30 × 10^-4 न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगी पावर, 30 × 10^, ठीक है। तो 3, अब इनको रेशियो करना है तो P1 / P2, मतलब बॉय / गर्ल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बॉय /
गर्ल का, तो बॉय को ऊपर लिख दो 3 × 10⁴, गर्ल का नीचे लिख देंगे 30 × 10⁴, से करेंगे 3 × 1 = 3, 10, तो 1:10। तो अगर 10:1 भी दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर 10:1 दिया मतलब गर्ल टू बॉय दिया होगा, 10:1 मतलब गर्ल टू बॉय दिया होगा, 1:10 मतलब बॉय पहले बाद में, ये लिखा ये दिखा दूंगा, 1:10 मतलब पहले वाला बॉय बाद वाला गर्ल, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो इजी न्यूमेरिकल था ये, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, हो गया ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम हाइट 100 मीटर, तो वाटर कॉलम कॉलम डेप्थ हाइट की बात आ रही है, तो यहाँ पे स्टॉप फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे, वाटर खुद अपने हाइट और अपने डेंसिटी की वजह से काफी प्रेशर जनरेट कर रहा है, फ्लूड अपने हाइट और अपनी डेंसिटी की वजह से प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो वाटर का जो हाइट दिया है कॉलम की हाइट, मतलब समझो ऐसे टैंक, ठीक है, इसमें है ना वाटर यहां तक के फिल है, ये दिया हुआ है हाइट 100 मीटर, बड़ा टैंक है 100 मीटर है, और ये हो गया हाइट, और जो ग्रेविटी दिया है वाई डिफॉल्ट 10 ले लेना है, हाँ 10 m/s² नहीं तो 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 दिया हुआ, ठीक है, और डेंसिटी जो है डेंसिटी दी हुई है 1000, वाटर अगर है तो 1000 बाई डिफॉल्ट तुम ले सकते हो, किलोग्राम मीटर क्यूब वाटर का बाई डिफॉल्ट 1000 तुम ले सकते हो एसआई में, और 1 लेते हो सीजीएस, तो चलो प्रेशर निकालना है, मतलब क्या है बताओ इसमें, कुछ है क्या, कुछ समझाने जैसा तो मुझे कुछ लग भी नहीं रहा है इसमें, ठीक है, 1000 × gravity 10 × height क्या है 100 मीटर, यहाँ पे चाहो तो यूनिट के साथ भी लिख सकते हो तुम लोग, तो चलो मैं यूनिट के साथ भी लिख रहा हूँ, है ना, 1000 kg और नीचे आया मीटर क्यूब, है ना, ये हो गया डेंसिटी की यूनिट, 10 क्या था ग्रेविटी, तो 10 मीटर नीचे आ जाएगा 2 × height 100 मीटर, ऐसे दिखाए तो और भी अच्छा लगता है, एक एम से इधर एक 2 m ऊपर है, नीचे 3 m है, तो ये 2 m हटा दो, नीचे बचा 1 m, नीचे कितना m बचा, 1 m बचा, तो कितना हो गया 1, 3, 4, 2, 6, 6 ना, यूनिट देखो क्या क्या आ रही है, पर किलोग्राम आ रहा है मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसी क्या बोलते हैं 1 × 10⁵, 5 × 6, 6, ठीक, तो किलोग्राम मीटर सेकंड, हाँ बोलो बेटा, समझिए, तो काफी इजी ये न्यूमेरिकल था, और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है तुम्हें एट वॉट डेप्थ बिलो, एट वॉट डेप्थ, समझ में आ गया तुम्हें, कहीं ना कहीं जो हाइट पूछा जा रहा है, हाइट को क्वेश्चन मार्क बनाओ, एट वॉट डेप्थ बिलो द सरफेस वाटर विल प्रेशर बी इक्वल द ट्वाइस ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, कह रहा है कि कितने नीचे जाने पर, कोई वाटर कॉलम है या रिवर है जो भी है, कितने नीचे जाने पर एटमोस्फेरिक प्रेशर का वो जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर का क्या हो जाए, डबल हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो कुल मिला के प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर देखो 10 N दिया हुआ है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ, P0 10 N² में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, तो जो भी लेंथ वाली यूनिट रहेगी हाइट है सेंटीमीटर में आएगा, ये तुम्हें एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तुम्हें डेंसिटी भी दिया हुआ है 9.8 डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है 1000 × 10³ किलोग्राम, देखो यहाँ पर समझो किलोग्राम मीटर क्यूब में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे चेंज, और जो ग्रेविटी दिया वो भी एसआई यूनिट में है 9.8 m/s². यहाँ पर ये फंस रहा है ना, यहाँ पर ये फंस रहा है, क्या फंस रहा है कि 10 N cm² में दिया हुआ है ना, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, ये देखो प्रेशर फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 10 N, एरिया जो तुम्हें दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 1 ले लो, नीचे एरिया 10/1 ही समझो फ्रैक्शन में, 1 cm - 2 है ना, यही तो हुआ 10/1, तो 10 ही तो आएगा, 10/1 10 ही आएगा, ये हो गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम्हें किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर, वही 1 × 10⁴ -4, अब -4 जाके ऊपर आके +4 हो जाएगा,
है ना, तो 10 इंटू 10 की पावर प्लस 4 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है, ओके। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर बदल दो, तो वो 10 की पावर 4 होता है, मतलब माइनस 4 होगा, सेंटीमीटर माइनस 2 है ना, तो माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 5 है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, बेस पे सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 4 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा प्रेशर आ गया, ठीक है, ये आ गया एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमें करना है क्या मालूम है, हमें ये करना है कि हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाए, जैसे लीवर के अंदर गया तो लीवर के अंदर जाओगे तो एक तो पी नॉट रहेगा प्लस एच रो जी रहेगा। अरे भाई इस कॉलम में तुम यहां पर आ गए, अब इस यहां पर आकर तुम्हें क्या क्या प्रेशर फील हो रहा होगा, एक तो इस कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो यही बात हुई यहां पर भी कि अंदर जो प्रेशर है, अंदर जो रिवर में गए अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस उस हाइट उस कॉलम लिक्विड के कॉलम का प्रेशर, लेकिन ये जो प्रेशर है किसके बराबर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये बोला जा रहा है ना, देखो एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब मैं कितना अंदर जाऊं कि जो प्रेशर अंदर मिले, अंदर जो प्रेशर मिले वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल हो जाए, ठीक है ना, ओके ठीक। तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन दी लिख दो, 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में हमने बदल लिया था, न्यूटन यहां पे लिख दिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस हाइट, वही तो हमें पता था, हाइट ही तो हमें पता था, हाइट व्हाट डेप्थ लेवल, ठीक है, और डेंसिटी तुम्हें दिए 1000 और 10 की पावर 3, ग्रेविटी तुम्हें दिए 9.8, ओके क्या करो यहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा, देखो समझो कि यहां पे 2x है, यहां पे क्या है 1x है, सेम टू सेम है ना, तो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x बचेगा, यानी 1 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर बचेगा, समझ गए, समझ गए, देखो यहां पे 2 पीओ थे, यहां पर 1 पीओ था, तो 1 पीओ द्वारा के माइनस होगा, 2 पीओ में से 1 पीओ गया तो 1 पीओ बचा, है ना, अब इज इक्वल टू हाइट इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में धरा के क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, है ना, यहां पर ये देखो प्लस में था, है ना, प्लस में था, तो ये वाला माइनस हो रहा था, लेकिन ये वाले क्या मल्टीप्लाई सीरीज में, ठीक है, मल्टीप्लाई सीरीज में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैलकुलेशन देखो 10 की पावर 5 तो ऊपर था ही था न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, और साथ में आ गया नीचे 10 की पावर 3 और 9.8 भी नीचे आ गया, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या था तुम्हारा किलोग्राम मीटर क्यूब था ना, किलोग्राम मीटर माइनस 3 वॉल्यूम, डेंसिटी का ही होता है ना, वॉल्यूम माइनस 3 में होता है ना, नीचे होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो माने इनटू 9.8 मीटर सेकेंड का माइनस 2। अब क्या इसको मुझे सॉल्व करना बताना चाहिए, जरूरत होनी चाहिए क्या, जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, 10 की पावर 3 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो बेस बेस सेम पावर आपस में माइनस, यानी 10 की पावर 2 ऊपर बचेगा फिर नीचे बचेगा 9.8, है ना, तो 100 अपॉन 9.8 जीरो हटाओ, यहाँ जीरो पड़ेगा 900 अपॉन 98, इसको डिवाइड कर लेना, और पता है हाइट किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए, हाइट इज इक्वल टू निकाल रहे ना हम लोग, ठीक है ना, तो वीडियो को क्या दो बार आराम से देख रहे हैं तो डेफिनेटली है ना चीजें आपको समझ में आएंगी ही आएंगी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पूरे क्वेश्चन समझ लो किस तरीके से मैंने डील किया है। तो कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट था, है ना, कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर में दिया था, ठीक है, तो आपको उसमें बदलना था मीटर पर स्क्वायर में बदलना था, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन तो काफी इजी, इसको हम लोग तो ओरली कर लेंगे, ठीक है, देखो
क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस इनसाइड ए लिक्विड, ईच साइड 5 सेंटीमीटर लिक्विड के अंदर डाल दिया हमने, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 10 पास्कल। ठीक है, सेंटर मतलब एक क्यूब जैसे मैंने डाला हुआ है, तो यहां पर कहीं पर जो प्रेशर है ना, ये ऊपरी पार्ट में प्रेशर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10 पास्कल। चलो अच्छा ठीक है ठीक है। कैलकुलेट द थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस फेस। अरे भाई थ्रस्ट निकालना है, फोर्स निकालना है तुम्हें, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर तुम्हें 10 दिया हुआ है, फोर्स तुम्हें निकालना है, एरिया एरिया क्योंकि क्यूब है यहां पर भी 10 सेंटीमीटर, यहां पर भी 10, यहां पर 10 सॉरी यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, 5 का दिया सेंटीमीटर दिया ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। इसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, मीटर में। ठीक है तो 5 माइनस 2 इंटू, लेकिन एरिया मतलब 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2। सही कर रहे हैं क्या तुम? क्या करो मालूम, ऐसे करो देखो, पहले एरिया को बदल लो सेंटीमीटर में, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम्हें किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 4 ठीक है ना, माइनस 4 होगा क्योंकि 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इसका, माइनस 2 इसका, तो माइनस 4 ठीक है ना। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू 10, ये सब जो यहाँ पर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये प्लस 4 ना कर देना, ये तो पूरा 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 पैकेट उठा के जा रहा है, जब ये ऐसे न्यूमरेटर में आता है ये तब जाके प्लस 4 होगी पावर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे मतलब इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया था, प्रेशर के तीन फॉर्मूले समझे, मतलब तीन फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर को डील किया था। ठीक है ना, क्या थे, क्या फॉर्मूले थे बताओ? एक तो फॉर्मूला था हमारा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है उस पर ग्रेविटी खींच रही है, तो कहीं ना कहीं एम इंटू जी हो रहा है, मास इंटू ग्रेविटी, और एक पर यूनिट एरिया यानी उस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी यानी उसके मास की वजह से। एक तो ये डील किया था, दूसरा हमने डील किया था प्रेशर का एक और फॉर्मूला डील किया था एच रो जी, जिसमें एच हाइट, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी। ये है ना फ्लूड के लिए था कि अगर कोई कंटेनर में या रिवर या जो भी है एक कॉलम है फ्लूड का, चाहे वो एयर का कॉलम हो, गैस का कॉलम हो, चाहे वो लिक्विड का कॉलम हो, तो अपनी हाइट, अपनी डेंसिटी और अपनी ग्रेविटी की वजह से एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हमने देखा था। इसके बाद एक और प्रेशर का फॉर्मूला देखा था हाइड्रोलिक मशीन से, जो कि हमारा था F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2। ठीक है ना, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, दोनों साइड प्रेशर सेम, बट कहीं पर एरिया बदल रहा है तो फोर्स बदल रहा है ना, तो जिसके न्यूमेरिकल अभी लोड करने हैं। ठीक है ना, ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को हमने पहले वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर दिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई गैस, बहुत सारे गैस से सराउंडेड है। ठीक है ना, अब उन गैस का एक प्रेशर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर अप टू हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के अगर ऊपर जाएंगे अराउंड 300 किलोमीटर तक में, सरफेस से 300 किलोमीटर सरफेस से, वहां तक का एटमोसफेयर है हमारा, एटमोसफेयर मतलब गैसेस का कॉम्बिनेशन है, द वेट ऑफ एयर कॉलम, तो वो जो एयर कॉलम का वेट है वो अर्थ के सरफेस में एक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, थ्रस्ट मतलब फोर्स क्रिएट करेगा, द थ्रस्ट एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अर्थ जैसे कि ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक
गैस या एयर का कॉलम है, ठीक है ना। तो एयर का कॉलम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम पकड़ लें सरफेस के, तो एयर का कॉलम ये जो भी हाइट है, हाइट क्या है भाई, 300 किलोमीटर है लगभग, ठीक है ना। तो इसको मीटर में तुम ले लेना, तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया यानी पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो प्रेशर एक अर्थ का एक एरिया, कितना एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर पर एटमॉस्फेयर या गैस की वजह से, एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है अर्थ के सरफेस में, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द थ्रस्ट एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द। सो द वेट ऑफ एयर कॉलम ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे ऑन अर्थ सरफेस इज नियरली 1 kg है, ठीक है ना। तो बात समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्थ का हम एरिया कितना ले लें, एरिया ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना था एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एयर कॉलम का इस पर वेट कितना लग रहा है, यानी फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स मतलब वेट कितना लग रहा है, 1 kgf का लग रहा है, यानी 1 newton का लग रहा है, इतने एरिया में, इतने से एरिया में 1 newton का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, थोड़ी यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम लोग, फोर्स कितना है 1 kgf यानी 1 newton है, और एरिया 1 cm² है, एरिया मीटर स्क्वायर में भी नहीं 1 cm² में एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, न्यूटन तो तुम्हारा ठीक है ऐसा ही यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, जो कि कितना होता है 10^-4 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसको तुम बदल दो ना, 1 kgf है ना, 1 newton नहीं, 1 क्या है kgf, तो ये हो जाएगा 10 newton के बराबर, किलोग्राम टू ग्रेविटी, न्यूटन में बदले 10 newton के बराबर हो जाएगा, तो 10 newton हो जाएगा, 10 newton, ठीक है ना। 1 kgf मतलब 10 newton, समझिए ना, 1 kilogram इंटू 10 gravity, बाय डिफॉल्ट 10 gravity ले लिया, ठीक है ना, तब जाके मास इंटू ग्रेविटी, तब जाके न्यूटन में कन्वर्ट होगा, तो 10 newton कहेंगे, क्या कहेंगे 10 newton कहेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10^-4 ऊपर आके 10^5 प्लस का 4 हो जाएगा, एंड दिस 10 एंड दिस 4 हो जाएगा 10^5 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्क्वायर मीटर का आ गया, कितना आ गया पर स्क्वायर मीटर का, मतलब एयर कॉलम है एक स्क्वायर मीटर के एरिया में, एक स्क्वायर मीटर का एरिया आप कह सकते हो एक टेबल हो गई पढ़ने वाली, लगभग उतना सा एरिया कह सकते हो, एक मीटर है, इसे इतना अगर ये 1 meter है, डायग्राम में बता रहा हूँ 1 meter, तो जब आपकी टेबल हो गई स्टडी टेबल, तो अगर ये स्क्वायर में है स्टडी टेबल, तो लगभग 1 meter की होती है स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल कह सकते हो आप जिसमें कंप्यूटर रखते हैं, तो उतना बड़ा लगभग एरिया, जस्ट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, उतने बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया में 10^5 newton फोर्स लग रहा है एयर का, ठीक है ना। अच्छा ह्यूमन बॉडी पर कितना लग रहा होगा, ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी का यानी एरिया मालूम हो तो पता चल गया कि कितना लग रहा है भाई, ये तो 1 square meter के बक्के लिए है ना, 10^5, 10^5 किसके लिए, 1 square के लिए, 1 square meter के लिए, मतलब कि 1 square meter में 10^5 newton फोर्स लगेगा। तो ह्यूमन बॉडी कितने स्क्वायर मीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी को हम लोग मानते हैं 2 square meter, अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं 2 square meter का वॉल्यूम, मतलब एरिया मानते हैं, अगर यू नो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें बॉडी को, तो 2 square meter मानते हैं, तो 1 square meter तो 2 square meter में कितना होगा प्रेशर, 2 × 10^5 newton meter square, है ना, 1 square meter में इतना प्रेशर है, तो 2 में कितना होगा, 2 × 10^5 newton meter square, ये हो गया ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जो कि इतना प्रेशर हमारा ब्लड को संभालने के लिए चाहिए, ब्लड को संभालने के लिए चाहिए इतना प्रेशर, ब्लड को संभालने के मतलब ब्लड बाहर ना है, इसीलिए जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं ऊपर, तो क्या होता है बोलो, ऊपर जाने से
ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड क्या हुआ था बाहर आया था, क्यों क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा एच रोजी, तो हाइट बढ़ने से क्या होगा, अरे हाइट बढ़ने प्रेशर पड़ना चाहिए ना, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, हाइट बढ़ने से प्रेशर तो क्या ऊपर हम लोग जाते हैं माउंटेन में, जब माउंटेन में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है बढ़ता ही घटता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़ता है घटता है, डिक्रीज होता है, क्यों, हम तो बोल रहे थे सर हाइट बढ़ने से तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ वही हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लिक्विड मतलब फ्लूड, गैस भी आ गई इसमें, ये फॉर्मूला गैस के लिए भी है, तो वो क्या रहा है कि हाइट बढ़ नहीं रही, हाइट है ना कम ही हो रही है, हाइट क्या हो रही है कम हो रही है, कैसे सर कम हो रही है, माउंटेन में जाने पे हाइट कम, क्या क्या लॉजिक है, देखो अच्छा कैसे कम हो रही है, ये आपका एयर कॉलम है, ये क्या है एयर कॉलम है, ठीक है ना, एयर कॉलम हम यहां पर हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर देखो एयर कॉलम कितना है, इतना हाइट का एयर कॉलम, इतना हाइट का एयर कॉलम है हमारे सर के ऊपर, इतना बड़ा एयर कॉलम है, तो प्रेशर ज्यादा, हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, अब क्या हो रहा है, सो अब हम लोग चले गए माउंटेन में, माउंटेन बना, अब हम लोग यहां पर आ गए, यहां पर, अब हमारे सर के ऊपर बॉडी के ऊपर कितना कॉलम बचा, इतना सा कॉलम बचा, छोटा सा एयर कॉलम बचा, अब बताओ ना इतना सा कॉलम बचा, पहले कितना लोड था, इतना लोड था, अब कितना लोड हो गया, इतना एक्चुअली में हाइट मतलब एयर कॉलम की जो हाइट है ना, डेप्थ है ना, वो कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, कम हुई है, तो ये कॉलम कम होने से हमारे सर के ऊपर जो प्रेशर है ना वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, हाइट कम हुई है, एयर कॉलम की हाइट कम हुई है रोजी, तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ब्लड है ना, ब्लड जो कि हम एटमॉस्फेयर ने हमें ना दबा के रखा था ब्लड को कि बाहर मत आओ, इतना बड़ा प्रेशर था ब्लड को, क्या बोला बाहर ना, बिल्कुल है ना, जैसे कि कोई टंकी लीक हो गई पानी होल, तो हम लोग क्या करते हैं दबाते हैं अंगूठे से कि हाँ लीकेज ना, एक प्रेशर देते हैं, ठीक इसी तरह एटमॉस्फेयर ने चारों तरफ हमें जगड़ के रखा था यहाँ पर कि ब्लड बाहर नहीं आने दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाहर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो ब्लड हमारा बाहर आने लगता है, ब्लीडिंग इसलिए स्टार्ट हो जाती है, ये रीजन है माउंटेन में जाने पर ब्लीडिंग स्टार्ट होने का। तो ये सिर्फ के एक्सपेरिमेंट है काफी अलग अलग, जैसे कि एक कोई एक टीन का डब्बा है, उसके अंदर गैस, एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है टीन के डब्बे में, और हमने क्या किया, मतलब अंदर का प्रेशर जो स्टीम का था वो भी चारों तरफ है, और बाहर का एयर प्रेशर भी चारों तरफ है, तो टीन का डब्बा ठीक था, लेकिन हमने क्या किया, जब जैसे ही एक स्टीम प्रेशर बाहर निकाल लिया, हटा लिया प्रेशर, तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और टीन क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, अक्सर पानी की प्लास्टिक बॉटल में यही होता है कि बॉटल में दब जाती है, ठीक है ना, जैसे एयर बाहर निकाल लो, बाहर का प्रेशर से क्या होता है, प्लास्टिक की बॉटल कम हो जाती है, तो हमेशा कि प्रेशर जो जहां ज्यादा प्रेशर होगा वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा, फोर्स ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग है ना प्लेटफॉर्म में होते हैं, तो प्लेटफॉर्म में बोलते हैं ना दूर रहो, थोड़ा सा गाड़ी निकलने वाली फास्ट कोई गाड़ी, तेज कोई ट्रेन निकलने वाली होती है, तो हम लोग को थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है, तो उसका रीजन यही होता है कि जैसे ट्रेन निकलती है तो वहां पर जो लिक्विड जो फ्लूड होता है एयर, वो मोशन में आ जाती है, हवा उड़ने लगती है कह सकते हैं, मोशन में आ सकती है, स्पीड आ जाती है, तो लिक्विड जब फ्लूड या लिक्विड मोशन में आता है ना, तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, तो ट्रेन जहां से आएगी वहां के प्लेटफॉर्म के एरिया पर प्रेशर कम हो जाता है, और हम लोग थोड़ा अगर खड़े हुए बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा पीछे खड़े हुए प्लेटफॉर्म के पास, तो बाहर जो हमारे पीछे पीठ के पीछे जो बैक के पीछे प्रेशर है वहां का ज्यादा होता है, तो अक्सर है ना हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रेन ने खींच लिया है, ऐसा बोलते हैं अक्सर, कचरा अचरा पास में प्लेटफॉर्म के पास में पड़ा रहता है ना, वो ट्रेन के पास में उड़ने लगता है, तो कचरा वचरा होता है वो बाहर जो प्लेटफॉर्म का प्रेशर होता है, और जहां से ट्रेन निकल वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो होता क्या है कि प्रेशर जहां ज्यादा होगा वो कम की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर कम की तरफ जाएगा, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि गांव में भी आंधी आई या तूफान आया तो टीन उड़ गई घर की, पतरे घर के उड़ गए,
तो घर के पत्रे उड़ गए, मतलब वो वैसा नहीं होता है कि एयर है ना अंदर घर में, अंदर जाके ऐसे हवा से उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई घर है ठीक है, तो ऐसे टीन लगी हुई है, तो ये नहीं होता है कि एयर जैसे कोई आंधी मींधी आई तो ऐसा, जैसे हम लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि एयर अंदर गई, अंदर फोर्स मार के ट्रेन को उड़ा लेगी, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पूरा आप बंद भी कर लोगे तो भी ट्रेन उड़ जाती है, क्यों? बाहर की एयर है ना बहुत तेज चल रही होती है, आपने पूरा बंद करके रखा हुआ है और विंड बहुत तेज चल रही थी, यहाँ पर विंड बहुत तेज चल रही है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है। अंदर है ना नॉर्मल है घर में, आप आराम से बैठे हुए खिड़की विड़की पूरा पक्का बंद करके, यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, तो ये घर के रूम का जो प्रेशर है ना फेंक देगा, वो ये है ना फेंक देगा टीम को बाहर कि प्रेशर यहाँ ज्यादा है, तो जहाँ पर एयर या गैस मोशन में है वहाँ प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अक्सर जब डाइवर्स होते हैं सी में जाते हैं अंदर बॉटम में या थोड़ी गहराई में जाते हैं, वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों प्रेशर बढ़ जाता है? क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर तो है और हम अंदर चले गए सी के, तो वो लिक्विड आ गया है, लिक्विड पानी आ गया, पानी का प्रेशर अलग डेप्थ का, ठीक है। तो एयर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर था ही था, प्लस वो भी प्रेशर है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्लड हो ना उसे सर्कुलेट करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए उनको एक स्पेशल सूट पहनाए जाते हैं जिससे कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बना रहे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग क्लास 11 में काफी अच्छे से पढ़ोगे, काफी सारे ये कम होता है, इंक्रीज नहीं होगा, कम होगा। देखो अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूं, देखो के ना पेपर दिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि जहां पर लिक्विड या गैस मोशन में वहां प्रेशर कम होता है। आप चाहो तो कैमरा इधर घुमा सकते हो मोबाइल का, चाहो तो मैं दिख रहा हूं, अच्छे दिख रहे हैं, खराब दिख रहे हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मोशन में, अगर फ्लूइड मोशन में है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर है ना ऊपर की तरफ ये रख के मैं अभी फूंक मार दूंगा। देखो ये है ना थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फूंक ऐसे नहीं मार रहा, ये बता रहे कि एयर आएगी और ऐसे ऊपर उड़ाएगी, मैं फूंक देखो इधर की तरफ मार रहा, इधर इससे मतलब नहीं है, ठीक है देखना है ना, ये ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों? जबकि तो फूक तो मेरी इधर है, एयर तो इधर है, इससे क्या मतलब, ये तो और नीचे दबना चाहिए सर, ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, तो हाँ, ऊपर उसको फोर्स देगा, है? तो ये क्या हुआ कि यहां पर जब मैंने फ्लूड को मोशन दी, एक वेलोसिटी दी, यू नो एक फ्लो दिया, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और यहां पर प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इधर साइड का पीछे साइड का प्रेशर था, तो प्रेशर जहां ज्यादा हो वो फेंकेगा ऊपर की तरफ, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये चीज थी कि हम समझ सकते हैं कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है फ्लूड की वहां पर प्रेशर कम होता है, क्यों कैसे, ये आप क्लास 11 में और 12 में ही पढ़ोगे आप, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतना समझ गया, एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखा दिया। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है, यानी कि रीजनिंग है, नॉट एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग आती है। सकिंग अ ड्रिंक विद ए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से किस तरीके से हम लोग है ना पानी या लिक्विड ऊपर खींचते हैं, तो उसका रीजन भी यही होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का कम, और हम लोग है ना यहाँ पे एक मोशन देते हैं गैस लिक्विड इसको एयर को, बीच में एयर भरी हुई ना, यहाँ का प्रेशर कम होता है, और फिर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हाँ प्रेशर लगा के पानी को ऊपर पहुंचाते हैं। यही चीज हम लोग सिरिंज में भी करते हैं कि किस तरह पानी को ऊपर खींचते हैं, उसका भी रीजन यही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम होता है और इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है और सिरिंज के अंदर का प्रेशर कम होता है, तो जिस तरह ऊपर फेंकेगा पानी को, ठीक है। फिलिंग इन इनटू फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में भी इस तरह दबा दबा के ना नोजल, आई ड्रॉप या एयर ड्रॉप में नोजल होता है ना, एक ड्रॉपर होता है, ऐसे बंद करके प्रेशर बिल्कुल उसको हटा देते हैं, हवा हटा देते हैं,
जैसे फिर लिक्विड में डालोगे फिर उसको ओपन करोगे हाथ को हटाओगे अपने आप उसमें भर जाएगी वो लिक्विड, उसके पीछे यही रीजन होता है। तो ये रीजनिंग है, या आप एग्जाम में आते हैं आप दे सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो। बैरोमीटर में भी यही है कि किस तरीके, देखो ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है वो इस तरह ऊपर देखो जाती है, अगर आप इसको रखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो देखो मर्क्यूरी ऊपर जा रही है और एक यहाँ पे देखो कर्व जैसा आ रहा है। तो कर्व जो आ रहा है, कर्व का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये बैरोमीटर का आप है ना इसको यूट्यूब से 3D इसका एक वो देखना तो आपको इसमें ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपको समझना, हम समझाएं या किसी एक पर्टिकुलर दूसरे को रिसोर्स से समझ में जो बेटर होगा वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो बैरोमीटर का ये किस तरह काम कर रहा है इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो उससे आप देख लेना, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3D एक एनिमेशन या एक रियल एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है इसको समझने के लिए, ठीक है।